आज हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामानंद सिंह पटेल जी उपस्थित हैं। बता दें कि अल्पप्रवास पे बंड आया है लगातार, जो विधानसभा चुनाव नजदीक आ जा रहा है, तो इनकी भी जो कार्य क्षेत्र है भी बढ़त जा रहा है, दिन प्रतिदिन जनसंपर्क लगातार जारी है। इनको कहवा है कि ये भी मध्य प्रदेश में बढ़ चढ़ के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी निकाले गए और तीसरे मोर्चा के रूप में समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में उदय हुई है। आप लगातार बुंदेलखंड क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो कैसी स्थिति समझ में आ रही है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है बुंदेलखंड में बहुत अच्छी है और हमारी समाजवादी पार्टी दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर ली गई है और हम अच्छी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी 140-150 सीटें आने हैं और तई भाजपा भी यही सोच चल रही कि हमारी जीत अब निश्चित है, तो एक बीच में समाजवादी पार्टी भी सोच रही कि हम अभी ये भी मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में आ। समाजवादी पार्टी इस बार 2023 के चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनने कभी अपनी सरकार बनाया, कभी उनने अपनी सरकार बनाया और जनहित के मुद्दों में ये कोई काम नहीं करते। वर्तमान में तो हमारे मुख्यमंत्री जी केवल घोषणा करते हैं और घोषणा करके ही जनता को मूर्ख बना करके वोट ले लेते हैं, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है कि केवल हम कोरे भाषणों से इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं और जनता तीसरे विकल्प की ओर मुड़ने जा रही है और जनता चाहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हट करके समाजवादी पार्टी को आगे लाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए काम करने वाली पार्टी है। जैसे मध्य प्रदेश में विपक्षी पार्टी कांग्रेस है तो विरोध प्रदर्शन भी करते हैं और जनता के मुद्दा भी समाज समाज पर उठाते रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी तक कौन कौन से विरोध प्रदर्शन करे? समाजवादी पार्टी ने अपने स्टेट लेवल में मध्य प्रदेश स्तर में हमारे पूरे प्रदेश में आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, किसानों के मुद्दों को लेकर किया, जाति जनगणना मुद्दों को लेकर किया और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता या कि उनको नौकरी देने के लिए काम किया और समाजवादी पार्टी हर जिलों में संघर्ष कर रही है जनता के हित में। अगर पार्टियों को छोड़ दें, मेन मुख्य जो भाजपा और कांग्रेस हैं और छोड़ दें, उनके अलावा जो पार्टी यहाँ थे उनमें जातिगत जो समीकरण रहते हैं वो पर ज्यादा मुख्य प्रभावशील रहते हैं। कहा जाता है कि जा पार्टी के ये समाज के, जा वाली पार्टी ये समाज के, ये को आप कौन से रूप में देखा? वास्तव में जो समाजवादी पार्टी है, हमारी पार्टी है, वो तो सभी समाज की पार्टी है, लेकिन गरीबों को, बेरोजगारों को, सर्वहारा वर्ग को लेकर के चलती है और हमारी पार्टी में कोई जातिवाद का नारा ऐसा नहीं है। दूसरी पार्टियां जो अन्य पार्टियां हैं, जैसा कि आप पार्टी है और दूसरी अन्य पार्टियां हैं, वो जाति नारा जरूर लगाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी में कोई जाति नारा नहीं है। चुनाव के टाइम पर जो बूथ वितरण करे जाते हैं कोई भी पार्टी को, तो हमेशा जातिगत फैक्टर को भी ध्यान में रखाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि जाति जो है उनके हिसाब से आदमी वोट देते हैं, इसे उनके लाने जातिगत हिसाब से वो दब जाए उनको टिकट, तो इसमें तो उनको जाति का बढ़ावा नहीं दब जाए। उसे वर्तमान राजनीति का जो परिवेश हो है वो जाति समीकरण को लेकर जरूर चल रहा है और चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, आप देखें जाति समीकरण वो भी बनाते हैं। अभी आप पार्टी में देखिए कि पंकज सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटा करके, क्योंकि रानी अग्रवाल जी महापौर सिंगरौली से चुनाव जीती हैं और केजरीवाल जी के समाज की हैं, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो जाति समीकरण का और जातिता का कहीं ना कहीं राजनीति में असर जरूर है। उसमें प्रमुख रूप से पार्टियां ये देखती हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन समाज के ज़्यादा लोग हैं, उस समाज के लोगों को टिकट दिया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। जैसा कि आपके बंडा विधानसभा में ही एक दो बार यादव कैंडिडेटों को उतारा गया और यादवों की वोट भी संख्या यहाँ ज़्यादा है, लेकिन उनको वोट कम मिले,
वोट प्रतिशत कम हुए उनके पक्ष में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जाति आधार पर ही चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन एक गुणा भाग जरूर थोड़ा सा पार्टियां देखती हैं कि किस जात का किस क्षेत्र में क्या वर्चस्व है। सबसे अंतिम सवाल, हमेशा देखोगा कि जो विपक्ष पार्टी रहता है बस समाज की या देश की प्रदेश की चिंता ज्यादा करत, पक्ष के रूप में उत्तो नहीं करते, हमेशा आदमी सोचा था कि हाँ विपक्ष पार्टी ज्या चीज बहुत अच्छी कह रही, तो हमेशा विपक्ष की भूमिका अच्छी क्या दिखाई दी जनता को? हमारी समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में तो बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसा कि आपके समीपस्थ उत्तर प्रदेश में प्रमुख समाजवादी पार्टी ही विपक्ष की भूमिका में है, और मैं ये प्रयास करता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी हमारी सरकार में इस बार शामिल होगी, तो मैं विपक्ष का महत्व नहीं मानता हूँ इस बार, कि हम तो सत्ता में शामिल होने जा रहे हैं और हमारा प्रयास ऐसा चल रहा है कि मध्य प्रदेश में हम सत्ता में भागीदारी हों। वैसे विपक्ष की जो भूमिका है तो वास्तव में सरकार को तो जागृत करने की भूमिका मानी जाती है। विपक्ष के लिए मैं मानता हूँ कि हमारे विपक्ष के नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया है, तो सरकार को जागृत करने के लिए ये तीन प्रमुख लोग हैं जो कि सरकार के क्रियाकलापों पर कंट्रोल कर सकते हैं उनके ऊपर, और उनको बता सकते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है, जनहित में आपके निर्णय ठीक नहीं है। इसलिए विपक्ष की भूमिका तो अति महत्वपूर्ण। आपने बोली है कि प्रदेश और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में आए, तो ये में अगर जो अन्य पार्टियां हैं चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी ले लो, वह पार्टी अगर ज्यादा बहुमत लेके आ रही है, फिर वो के टाइम पे अगर उनको सहयोग की जरूरत पड़ी, मान लो कि आप तीसरे विकल्प के रूप में आ गए, तो मैं आपके मनवीर या मतभेद नहीं देखी जाए कौन सी पार्टी से आपके मन जो है वो मिलत है, प्रचार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, सीधे आप समर्थन कर नहीं। इस स्थिति में न तो भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी और न तो कांग्रेस रहेगी, और हमारी पार्टी सत्ता में भागीदारी होने जा रही है, और हमारी पार्टी के जो विधायक रहेंगे वो अपने निर्णायक स्थिति में अगर आते हैं तो इसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे कि हमको किस पार्टी का सहयोग करना है, ये उनका निर्णय सर्वमान्य होगा, क्योंकि उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम अपने मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और बराबर उनका दिशा निर्देश लेते रहते हैं। मैं हर माह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर बैठ करके मध्य प्रदेश की सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट देता हूं, चर्चा करता हूं और उनसे निर्देश लेता हूं, क्योंकि हमारे सर्वमान्य नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परम सम्मानीय अखिलेश यादव जी हैं और उनका निर्णय सर्वमान्य है। आप जो सोचे हैं तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटों पर आपको लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीत के आए? हम तो अभी ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम हमारी समाजवादी पार्टी की 50 सीटें आएंगी, जिस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं हम 50 सीट से कम नहीं आंक रहे हैं, और जब हमारी 50 सीटें आ जाएंगी तो हम प्रमुख उसमें भी आ सकते हैं। हमको किसी भी दल से समझौता नहीं करना है, न तो भारतीय जनता पार्टी से न तो कांग्रेस से, हम चाहेंगे कि हमारे साथ ये लोग जुड़े और हमारी प्रमुख भूमिका। लंबे समय बाद समाजवादी पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में उभरने की तैयारी में चल रही है और लगातार एक कोशिश में लगी है कि तीसरे विकल्प के रूप में आए, और जैसे उन्होंने बताई है कि 40 से 50 सीटें उनकी समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में आ सकते हैं। सूर्य कुमार दुबे, बुंदेली एक्सप्रेस के लाने।